खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए साई सरकार की बात करते हैं। साई सरकार के इंतजामिया भी साई, नए वजीर आला ने सिंधियों को वजीर आला बनाया तो आईजी सिंध ने असलाह चलाने पर भी शहरियों को शेरी देने लगे। एडी ख्वाजा ने डाकुओं को मारने पर शहरी के लिए 50,000 रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें पुलिस के हाथ से बाहर हुई तो आईजी सिंध ने भी डाकुओं से निपटने का आसान हल निकाल दिया। एडी ख्वाजा डाकुओं को मारने पर शहरियों को इनाम से नवाजने लगे। अब डाकुओं को मारे और पुलिस से इनाम हासिल करें। आईजी सिंध की जानिब से नाजमाबाद में डकैती के दौरान डाकू को मारने पर शहरी के लिए 50,000 रुपए इनाम का ऐलान किया गया। आईजी सिंध का कहना है कि 3 से 4 मुलजमान रोजाना की बुनियाद पर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। एक माह के दौरान 490 पुलिस मुकाबले हुए। एडी ख्वाजा ने यह भी दावा कर दिया कि शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में वाजे कमी हुई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर शहरियों ने खुद ही डाकू मारने हैं तो सिंध पुलिस क्या करेगी।